दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस पूरे भारत में किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस पिछले 10 वर्षों से हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और मृतक दाताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवा और मानव जाति में किए गए निस्वार्थ योगदान को पहचानना है, साथ ही मानवता में हमारे विश्वास को फिर से स्थापित करना है। 2021 में 12वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और उत्कर्ण प्रत्यारोपण संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारा अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन की अनदेखी करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को नियामक अनुपालन में कमी के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47A1C के प्रावधानों के तहत RBI के निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है। वहीं केंद्रीय बैंक ने एक प्राइवेट बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हमारा अगला सवाल, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है? दोस्तों नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, वहीं झारखंड की 42.16% और उत्तर प्रदेश की 37.79% आबादी गरीब है। सूचकांक में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है जबकि मेघालय 5वें स्थान पर है। हमारा अगला सवाल, मेक माई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों मेक माई ट्रिप ने उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड़ान मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। मेक माई ट्रिप अब उड़ान फ्लाइट्स की एयर सेवा पोर्टल पर संचालित करेगा और अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर उनकी मार्केटिंग करेगा। दोस्तों क्षेत्रीय संपर्क उड़ान 4.1 के तहत नागरिक उड़ान मंत्रालय ने 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है। उड़ान योजना के तहत अब तक 766 मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं। हमारा अगला सवाल, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाने जा रहा है? दोस्तों मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद MP साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके आवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई सी पटेल हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हमारा अगला सवाल, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश से 2 Mirage 2000 लड़ाकू विमान खरीदे हैं? दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को ध्यान में रखते हुए तीनों सेनाएं अपनी रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी करने में जुटी हैं। फ्रांस से 2 सेकंड हैंड Mirage 2000 लड़ाकू विमान वायुसेना को मिले हैं जिन्हें ग्वालियर एयरबेस पर पहुँचाया गया है। दोस्तों भारत पहुँचे ये दोनों विमान इससे पहले फ्रांस के लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल थे। फ्रांस से भारत पहुँचे दोनों मिराज विमान ट्रेनर वर्जन है। दोस्तों भारत के पास लगभग 51 मिराज विमान है जिसमें 3 स्क्वाड्रन बने हैं और सभी की तैनाती ग्वालियर वायुसेना स्टेशन पर है। हमारा अगला सवाल, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन व्यक्ति एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? दोस्तों अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी ने 24 नवंबर 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को पछाड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार यह ग्रुप मार्केट कैप पर आधारित है। 2020 के बाद अडानी की कुल संपत्ति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उनकी कुल संपत्ति 18 मार्च 2020 को $4.91 अरब थी। हमारा अगला सवाल, भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया है? दोस्तों भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया। वर्ष 2021 दोस्ती त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास का 30वां वर्ष है। यह अभ्यास 20 नवंबर को शुरू हुआ था और 25 नवंबर को समाप्त हुआ। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन दोस्ती को और मजबूत करने, तीनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग बनाने और आपसी परिचालन क्षमता बढ़ाने और इंटरबिलिटी का अभ्यास करने के उद्देश्य से किया गया था। दोस्ती तटरक्षक अभ्यास पहली बार 1991 में शुरू किया गया था। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-2021 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? दोस्तों भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 2019 और 2021 के बीच 2 चरणों में आयोजित राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के परिणाम जारी किए हैं।
इस सर्वेक्षण के अनुसार 2019-2021 में देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, साथ ही कुल प्रजनन दर घटकर 2 रह गई है। दोस्तों, जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।